हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे एनिमेशन स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन में, और कैसे आप फ़ोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो एनिमेशन स्पीड को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो आपको अबाउट फ़ोन पे जाना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को ओपन करते ही बिल्ड नंबर ऑप्शन आता है, इसको टाइप करना है 3 से 4 बार। जैसे डेवलपर ऑप्शन आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा, जिसका आप यूज़ करके एनिमेशन स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको बैक करना है, डेवलपर ऑप्शन आपके ओपन सेटिंग्स में ओपन हो जाएगा, जहाँ से डेवलपर ऑप्शंस पे जाना है, फिर आपको स्लाइड करना है, स्केल सेटिंग्स पे चले जाना है। तो यहाँ पर स्केल सेटिंग्स आ गया, विंडो एनिमेशन स्केल जिसको ऑफ कर देना है यहाँ से इस तरीके से, ट्रांजिशन स्केल्स को भी ऑफ कर देना है, फिर ड्यूरेशन स्केल्स है इसको भी ऑफ कर देना है, फिर आपको स्लाइड करना है। प्रोसेस लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा आपके फ़ोन में, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, जिसको ऑफ करते ही आपके फ़ोन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और फ़ोन की स्पीड आपके फ़ोन में बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से एनिमेशन एंड फ़ोन की स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।